मासूम के होठों को मुस्कुराहट देना भी किसी इबादत से कम नहीं कि हम तो बच्चों को भगवान के रूप में देखते हैं। अगर यही भगवान और यही बच्चे हमसे पूछे कि क्या यही वो इंसानों की दुनिया है या यही वो दुनिया है जहां इंसान बसते हैं, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? और जवाब आया है उत्तर प्रदेश से, जानिए। मासूमियत की किलकारी की जो तस्वीरें आई उससे हर किसी का दिल पसीज उठा। इसलिए ही तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नन्ही सी परी के लिए बड़ा ऐलान कर कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण सरकार करेगी। इसके साथ ही नामकरण कर नाम मिला गंगा। जी हाँ, कई बार हमें कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से दिल को छू जाते हैं, और एक ऐसा ही दिल को छू देने वाला मामला सामने आया है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां गंगा नदी में एक नवजात बच्ची बहते बॉक्स में मिली है। दरअसल गंगा नदी के किनारे ददरी घाट निवासी गुल्लू चौधरी मल्ला को गंगा में बहता एक लकड़ी का डिब्बा मिला। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी नवजात बच्ची रो रही थी, जो चुनरी से लिपटी हुई थी और चारों तरफ से उस बॉक्स में देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी। गुल्लू चौधरी उसे आनन फानन में घर ले आए। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर भी बना ली। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस गुल्लू चौधरी के घर पहुंची और नवजात बच्ची को कोतवाली ले आई, लेकिन गुल्लू चौधरी और उनका परिवार उस नवजात बच्ची को गंगा जी की अमानत समझकर पालने की जिद पर अड़ा हुआ था। तो हम लोग भैया दौड़ कर ले आए घर पे, तो हम लोग इसको नहलाए धुलाए, इसको अच्छे से किए, इसको पिलाए उलाए दूध दूध। हम देख रहे हैं कि आप अभी बच्ची चंद मिनट पहले मिली थी और आप उसके साथ तस्वीर खिंचवा के आपने फ्रेम भी करवा लिया है। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। वहीं गुल्लू चौधरी ने पूरी बात बताई और कहा कि रविवार को दिन में गंगा जी के किनारे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी और जब देखा तो लकड़ी के बॉक्स में एक बच्ची मिली जिसे वो घर ले आए। क्योंकि पानी बरस रहा था इसलिए वो उसे सीधा घर ले आए, लेकिन बाद में पुलिस आकर उसे अपने साथ ले गई। तो बच्चे को कोई छू नहीं रहा था वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो? वो पलाई की पेटी है, कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं है ना। मेरे पास है वीडियो, देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब? गंगा में थी। अच्छा, गंगा में ही थी? हाँ, गंगा में ही थी है ना। तो हमने पेटी जा रही थी। हाँ, है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो पेटी खोले तो देखें बच्चा, लेकर चले वहाँ से हम। तो उसके बाद सब बहुत भीड़ लगा था, बहुत भीड़ लगा था, सब जितना करैया वाला पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। फिलहाल अभी ये मामला तंत्र मंत्र साधना से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन फिलहाल नवजात शिशु की पुलिस ने मेडिकल जांच कराई है। साथ ही पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है, बच्ची किसके पास रहेगी किसके पास नहीं। लेकिन कोतवाली सूत्रों की माने तो बच्चे का मेडिकल जांच कराकर उसके परिजनों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल गंगा में मिली नवजात बच्ची काफी चर्चा में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।